अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा के अनुसार वार्ड नंबर 2 में पानी की समस्या से लोग त्रस्त हैं। वार्ड के लोगों ने बताया कि दो दो बोरिंग होने के बावजूद भी आधे मोहल्ले में पानी आ रहा है। नागरिकों का कहना है कि दोनों बोरिंग के पास टंकी रखी जाए जिससे सभी को पानी मिल सके। नागरिकों का यह भी आरोप है कि वार्ड पार्षद जीतू सैनी आधे मोहल्ले में ही पानी के टैंकर की सप्लाई करवा रहे हैं। वार्ड नंबर 2 है, इसमें दो जो वो है बोर गवर्नमेंट के ना, उनमें इन्हें 10-10 घरों ने पाइप निकाल के वो रख रखे हैं सरकारी, उनको बेच दिया है, क्या किया है हमें नहीं पता ना, और उनके सामान ला रखे उनके बदले में। और फिर हम जाते ना पानी भरने तो हमसे ये कहते कि हमने तो खुद ने पैसे मिलाए, सरकारी बोर में तो सबका है हक, हमको एक एक पानी के पीने के लिए भी नहीं बने देते। यहाँ अध्यक्ष बने पड़े हैं 4-5 लोग, जाते ना देख, एक तो गलत सलत बोलते, इतना धक्का मुक्की मारते हैं और इतना गलत सलत बोलते हैं, और एक है सरकारी बोर जिससे सबका पानी आता है, अगर उसको भी हमें पता चलता है आज 12 बजे खुली, हम रात को 12 बजे जगते हैं तो ये 2 बजे खोलते हैं, 2 बजे खोलते हैं, अगर उनके घर हम जाके पूछते हैं ना कि कब खुली तो ये कहता हमें नहीं पता आज वो खोल के आए, वो खोल के आए, 4-5 बने पड़े, और जिनसे बोलो उनकी माइयां ये वो लड़ने के लिए और तैयार हो जाती। कितने दिन से समस्या आ रही है हमको? कम से कम 2-3 साल से ज्यादा समस्या आ रही है। अपने समस्या का हमने पहले भी कहा था, मीडिया को कहा था, वाटरक्स में बोला था, हमने वाटरक्स में भी गए थे हम पिछले साल भी गर्मियों में, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं देते हैं वहाँ पर। और उनमें नहाया कूद कूद के, और जब हमारे बहु पानी भर भर गई, मेरी जब नुके या नहाया हमारा नहाया में सु या में सु भर ले जाओ, बहु ने बोले कि हम पीण को पानी ले जा रहा, तुम्हारा नहावा का हमें कैसे ले जाओ, हम फिर भरा ही ना हमारा तो उन्होंने ही भगा दी, खूब झगड़ो हुए, धक्का धूमी भगा दिए, घूट पानी ना भरो। ये दोनों बोरिंगों से या तो हमारे को पानी दे, टंकियाँ धरवाएं, ऊपर की साइड ना लाइन है ना पानी की व्यवस्था है बिल्कुल भी, कच्ची बस्ती वालों को कोई पानी नहीं भरने देता। वार्ड पार्षद कौन है आपका? वार्ड पार्षद हमारे जीतू सैनी, जितेंद्र सैनी। अच्छा, उसको हम फोन करते हैं तो वो यूँ कहते हैं मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो अभी जो बोल रहे हैं कि आप वार्ड के लोगों ने जो लाइन पाइप जोड़ रखे, क्या वो अवैध है? अवैध है, वो सरकारी बोरिंग है। कितने पाइप अवैध लग रहे हैं? दो बोरिंग है, दोनों में अवैध पाइप अपने अपने वो कर रखा है उन्होंने। कितने घरों में पानी की समस्या आ रही है? पानी की समस्या कम से कम 25-30 घरों में समस्या, ऊपर तो लाइन ही नहीं है, ऊपर की साइड तो लाइन ही नहीं है बिल्कुल। अब 2 साल समस्या आ रही, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? समस्या ये है, 2 साल गुजारा क्या कर रहे हैं, जिसके पास टैंक है कुंडा बनवा रखा हो तो टैंक का डला लेते हैं, बाकी के लाते हैं इधर उधर से कहीं से सरकारी टैंक है उससे उठा करके पानी, पीने को पानी भी नहीं है ना, नलाता है हमारे यहाँ पर। अब नहीं आता क्या मांग, क्या मांगे हमारी? ये मांगे हमें पानी चाहिए, हमारे ऊपर लाइन भी डलनी चाहिए, हमारे ऊपर कच्ची बस्ती में बिल्कुल लाइन नहीं है।